नीमच और मनासा थाने में एक ही दिन में गठित हुए दो मामलों में नीमच पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। एसपी अंकित जयसवाल के नेतृत्व में महज चंद घंटों में पुलिस दोनों मामलों को ट्रेस कर लिया। मनासा थाना अंतर्गत आने वाले बालागंज से गुरुवार दोपहर दिन दहाड़े 14 वर्षीय बालक का अपहरण कर लिया गया। मारुति वैन में बालक को अपहरण कर बदमाश अपने ठिकाने पहुंचते उससे पहले पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने बालक को सुरक्षित बचा लिया और अपहरणकर्ता गोविंद पिता मोड़ू ओड़ और नारायण पिता मोड़ू ओड़ को गिरफ्तार कर लिया। अपहरण की वारदात नात्रे विवाद को लेकर की गई थी। इस मामले में एक आरोपी फरार चल रहा है। वहीं दूसरा मामला नीमच केंटा थाना क्षेत्र का है। 3 जुलाई को नीमच के सेंट्रल स्कूल से एक नाबालिग लापता हो गई। गुमशुदी दर्ज होते ही पुलिस टीम सक्रिय हुई। नीमच टीआई सौरभ शर्मा के नेतृत्व में नाबालिग को गुजरात के भरूच से बरामद कर लिया गया। इन दोनों मामलों में मिली सफलता के बाद एसपी अंकित जयसवाल ने पत्रकार वार्ता की और सफलता दिलाने वाले नीमच केंटा थाना और मनासा थाने की टीम को सम्मानित किया। इस अवसर पर एसपी अंकित जयसवाल ने एडिशनल एसपी नवलचंद सिसोदिया, सीएसपी अभिषेक रंजन और मनासा एसडीओपी विमलेश उइके को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। कल नीमच के मनासा थाना क्षेत्र में बालागंज गांव से बच्चे को कुछ आरोपियों द्वारा अपहरण किया है। इसमें मारुति ओमनी कार को हम लोगों ने यूज किया। जानकारी रखते ही हमारी मनासा पुलिस त्वरित सक्रिय हुई और उसमें 4 टीमों का हम लोगों ने गठन किया। 2 टीमें हम लोगों के द्वारा आरोपियों के पीछे पहुँचाई गई थी और 2 टीमें जो है वो यही स्थानीय पर रहते हुए एक साइबर की टीम और एक सीसीटीवी फुटेज चेक करने वाली टीम हमारे द्वारा लगाई गई। इसमें हमारी मनासा पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और बच्चे को मात्र 5 घंटे में इन लोगों ने सकुशल बरामद किया है भीलवाड़ा बॉर्डर से और साथ ही 2 आरोपियों को भी पकड़ा है मौके पर से और वो जो वाहन जो प्रयुक्त हुआ है वो भी मिल गया है। कैंट थाना क्षेत्र से भी उससे एक दिन पहले ही एक बच्ची 12 साल की वो चली गई थी और जिसमें हम लोगों के द्वारा जैसे ही हमारे पास जानकारी आई हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की और इस पर कैंट पुलिस ने काफ़ी अच्छी भूमिका अदा की। इन लोगों के द्वारा जो है टीम गठित कर उसके पीछे लगा दी गई थी जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी हम लोग चेक कर रहे थे। उसके क्लासमेट्स, उसके टीचर्स, अन्य जो परिजन हैं सभी से इसमें पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर कुछ बातें सामने आईं कि बच्ची किसी बात से नाराज़ होकर चली गई है और इसमें हम लोगों ने जीआरपी की भी मदद ली और बच्ची की जैसे ही हम लोगों ने सभी जगह जानकारी फ्लैश करना चालू करी तो बैरूज से हम लोगों को मदद मिली और बैरूज में बच्ची का होना पाया। मात्र 4 घंटे में हम लोगों के द्वारा बच्ची को उधर ढूंढा गया था और तो रात टीम इसमें रवाना करी जिसमें बच्ची को भी सकुशल बैरूत से बरामद किया गया। जो टीमें इसमें थी उनको किस प्रकार से आज मनासा और कैंट दोनों थाना क्षेत्र की जो टीमें हैं जिन्होंने इन दोनों केसेस में बहुत अच्छा कार्य किया है। दोनों ही काफ़ी सेंसिटिव केसेस थे, दोनों में ही छोटे बच्चे इन्वॉल्व थे और दोनों में पुलिस ने काफ़ी अच्छी सक्रियता दिखाई। कैंट थाना प्रभारी और मनासा थाना प्रभारी, उनकी टीम सब इंस्पेक्टर नीलेश और इसके अलावा एसडीओपी मनासा विजलेश विके, सीएसपी नीमच अभिषेक रंजन, हमारे एडिशनल साहब, सभी लोगों ने काफ़ी इसमें अच्छी मेहनत करी और एक बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश किया।